अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुझे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है और मैं अक्सर पौधे लगाता रहता हूं, घर में भी और बाहर भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए भी हैं। तो चलें आज मैं आपको दिखाता हूँ जो पौधे मैंने घर में लगाए हुए हैं, कौन कौन से पौधे घर में लगाए हुए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो चुप, ये देखें, ये है जामुन का पौधा, माशाल्लाह मुझसे बड़ा हो गया है। और हाँ जी, और है ये है बेर, इसको इंग्लिश में जुजुबा कहते हैं। ये बेर का पौधा है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी इस पे कांटे हैं, लग जाते हैं, बड़े इसके सख्त कांटे होते हैं। हसीब क्या करें दादाजी? हाँ चलो बाहर आओ दूँ। और ये जो है, ये ज़रा ये देखें, ये है केला, केला है ये, आपने देखा है इस पे लगते हैं केले। चले केले लगे हुए भी हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाएं। ये देखें, ये लगे हुए हैं केले, ये अभी छोटे हैं, अभी बड़े होंगे, ये बड़े होंगे फिर इन्हें काट के जो है हम इन्हें मतलब है कि बंद करेंगे पेटी में, तो फिर ये पक जाएंगे, खाने के काबिल हो जाएंगे। इसको ये सपोर्ट दी हुई है क्योंकि ये वज़न है ना केले जब होते हैं, तो इसका जो ये पौधा है ये नाजुक होता है, ये ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकता, तो जिसकी वजह से ये इसके गिरने के चांस हैं, पौधा गिर जाता है, इस वजह से इसको ये सपोर्ट दी जाती है ताकि ये केले जो हैं ये गिरे नहीं, ये पौधा गिरे नहीं। चलें, और भी उधर लगाया हुआ है केला, उस पर बड़े बड़े केले लगे हुए हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको, आ जाएं। और ये देखें, ये है सफ़ेदा, इस ये जब ये मैंने लगाया था तब आपको वीडियो दिखाई थी हसीब की बर्थडे पे, ये सफ़ेदा मैंने लगाया था, माशाल्लाह अब कितना बड़ा हो गया है, तो काफ़ी जल्दी से ये जो है ना बढ़ रहा है। और ये मुर्गियाँ भी नज़र आ रही हैं आपको, मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं हमने, हाँ ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, ये देसी है, कुकड़ा है, कुकड़े एक मुर्गा है और चार मुर्गियाँ हैं ये। और उसके अलावा ये हमने कीकर भी मैंने लगाए हुए हैं, कीकर कीकर दिखाएं ज़रा, खजूर का पौधा भी लगा हुआ है। ये है आम का दरख्त, ये मैंने नहीं, ये मेरी दादी अम्मा ने लगाया था, माशाल्लाह दरख्त बड़ा है, लेकिन ये पौधे अब इस पर फल नहीं होते, ये खुश्क हो गया। ये जो सैलाब आया था 2010 का सैलाब, उसमें अक्सर फलदार पौधे जो है ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से अब इस पर फल होते हैं, दो चार आम लगते हैं, बस वो भी जल्दी गिर जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा फल नहीं दे रहा, सूख गया है, हल्का हल्का सब्ज है, तो मतलब है कि ज़्यादा फल नहीं उठाता। ये सुहांजना लगाया हुआ है, और हाँ जी, ये पटेंदे से दे वाला पकेंदे रहने से फूल इन्हें पटते वाला पकेंदे रहने से ना, हाँ इसके फूल जो हैं हम पकाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त बहुत मज़े का बनता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस बार भी इन सर्दियों में हमने तकरीबन 3-4 दफ़ा ये सुहाना पका के खाया है, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और उसके साथ ही ये केला मैंने आपको कहा है कि, और दिखाता हूँ, ये काफ़ी अभी ये छोटा है, ये मतलब है कि कमज़ोर है, वरना इससे भी बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े केले लगते हैं इस पर। तो ये केला हुआ, और इस तरह जो है मुझे दरख्त लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये तो घर के करीब जो घर में जो लगाए हुए ये पौधे, वैसे बाहर भी मैंने कोई सफ़ेदे और कीकर वगैरह अपनी ज़मीन में लगाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और मेरी सपोर्ट हो सके और मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप तक पहुंचा सकूं। आप दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।